अगर आप फिनवेशिया में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो भ्रम है जीरो ब्रोकरेजेस का वो यहां पर दूर हो जाने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे हिडन चार्जेस बताने वाला हूं फिनवेशिया के, जहां से ये लोग अपनी कमाई भी कर रहे हैं और जहां से इनके एक्सपेंसेस जो है वो निकल रहे हैं। एक्चुअली जो ब्रोकरेजेस इन्होंने ज़ीरो कर रखे हैं उसको कवर अप करने के लिए इन चार्जेस का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, पॉजिटिव्स की भी बात करेंगे, नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। लास्ट मैंने एक वीडियो पहले फिनवेशिया के ऊपर किया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ डिसएडवांटेजेस बताए थे, लेकिन कुछ लोग इसके फायदे भी जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक कंपैरिजन यहां पर लेकर के आया हूं इसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान है। तो गाइस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस इस वीडियो को कंप्लीट केयरफुली वॉच करना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि यहां पर हो सकता है किसी एक फीचर के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, किसी एक फीचर की आपको रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ओवरऑल मैं यहां पर 10 से 12 फीचर्स की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो कौन सा फीचर आपको चाहिए इसलिए आपसे कोई फीचर मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली केयरफुली वॉच कीजिएगा। गाइस सबसे पहले हम इसके फायदों की बात करते हैं, यहां पर क्या क्या सर्विसेज क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। डिसएडवांटेजेस में ही मैं आपको कुछ हिडन चार्जेस भी बताऊंगा, इसके बाद में मैं फाइनली कंक्लूजन आपको दूंगा कि क्या आपको फिनवेशिया के अंदर डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। उससे पहले गाइस एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहले फुल सर्विस ब्रोकर चलते थे, उसके बाद 2010 के आसपास ज़ीरोधा आया और ज़ीरोधा लेकर के आया एक ट्रेंड लेकर के आया डिस्काउंट ब्रोकिंग का, जहां पर आपके फ्लैट ब्रोकरेजेस लगना स्टार्ट हो गए। पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको परसेंट वेज चार्ज करते थे, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स आने के बाद में आपके जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली आपके जो चार्जेस हैं वो फ्लैट लगना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर जो फिनवेशिया है इसने एक्चुअली एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, वो है लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट, लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेजेस का ट्रेंड। और इस ट्रेंड को स्टार्ट करने के बाद कई सारे डीमैट अकाउंट्स ने, कई सारे ब्रोकर्स ने अपने ब्रोकरेजेस को जीरो कर दिया है। कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान भी लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि एम स्टॉक है, आपको 2000-2500 रुपये देकर के आपके लाइफ टाइम ब्रोकरेजेस फ्री हो जाते हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने आपका एक ऐसा प्लान लेकर के आया है जहां पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना, जो उनका ट्रेड फ्री यूथ प्लान है। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड है अब स्टार्ट हो चुका है लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स का। और यहां पर इसका जो इस ट्रेंड को एस्टैब्लिश करने वाला ब्रोकर मुझे लगता है वो है यहां पर फिनवेशिया, क्योंकि ये काफी टाइम से ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है और यहां पर इन्होंने ही इस ट्रेंड की शुरुआत भी करी है। सबसे पहले इसके गाइस फायदों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा मैं टाइम आपका खर्च नहीं करना चाहता हूं और सीधे वीडियो का कंटेंट पर चलते हैं, फायदों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहां पर आपको एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है, अकाउंट मेंटेनेंस आपको फ्री मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, इसके बाद आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है गाइस, आपको ब्रोकरेज ना तो कोई डिलीवरी में देना है, ना कोई इंट्राडे ट्रेड्स के लिए ब्रोकरेज देना है, ना कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड के लिए ब्रोकरेज देना है। इनफैक्ट आपको कॉल एंड ट्रेड का भी यहां पर कोई चार्ज नहीं देना है। जहां पर दूसरे ब्रोकर्स आपसे कॉल एंड ट्रेड के लिए 50-100 रुपये चार्ज करते हैं, यहां पर आपको कॉल एंड ट्रेड का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा चार्जेस में आपके ब्रोकरेज चार्जेस में हेल्प हो जाएगी, आपके ब्रोकरेज चार्जेस बच जाएंगे अगर आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाते हैं। बट अभी पूरा वीडियो एक बार वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अभी आना बाकी है। अब बात करते हैं ऑर्डर टाइप्स की। तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, इसके अलावा आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर आपको स्टॉक्स में मिल जाते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस में वो नहीं मिलते हैं। डिटेल से डिसएडवांटेज पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर आपको ऑप्शंस के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद GTT ऑर्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज हम दूसरी सर्विसेज की, यानी कि करेंसी कमोडिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, IPO म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बॉन्ड्स भी मिल जाते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग भी मिल जाती है, यहाँ पर ये APIs प्रोवाइड करते हैं आपको, जिनका यूज करके आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपके जो मैनुअल इंटरफेरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांस होते हैं। आप यहां पर स्टॉक्स में SIP भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा और बोनस फीचर मिल जाता है आपको, यानी कि आप कुछ स्टॉक्स की बास्केट बना करके उनमें मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं आपको, ये सारे फायदे मैंने यहां तक आपके लिए कवर कर दिए हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो गाइस डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिनका मोबाइल ऐप है उसकी रेटिंग 3.6 स्टार्स है, 1 लाख के आसपास डाउनलोड्स हैं, डाउनलोड्स बहुत ज्यादा नहीं है अभी इस ऐप के, और इनके जो क्लाइंट बेस है गाइस वो भी अभी
काफ़ी कम है। मैं एक्चुअली इस चैनल पर कभी आपको 1 लाख से कम क्लाइंट वाले डीमैट अकाउंट्स कभी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको एक ऐसे वेल स्टैब्लिश्ड और एक बड़े ब्रोकर के साथ ही हमेशा डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि जिनके ब्रोकर जिनके कस्टमर्स कम होते हैं जिस ब्रोकर के, वहाँ पर उसके बंद हो जाने के और उसमें प्रॉब्लम्स आने के, कंप्लेंट्स आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर इस ब्रोकर की कुछ कंप्लेंट्स भी NSE पर BSE पर रजिस्टर होती रहती हैं, जिसमें से जो मोस्टली इनकी कंप्लेंट्स आती हैं वो आती हैं आपके फंड डिपोजिशन को, फंड विड्रॉल को लेकर के, इसमें डिले होता रहता है। दूसरा, आपकी सिक्योरिटीज़ के साथ भी यहाँ पर कभी कभी कुछ छेड़खानी होने की शिकायतें आती हैं, जैसे कि आपके डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटीज़ के कोई ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको बिना बताए कुछ ट्रांजेक्शन्स भी हो जाते हैं। इस तरीके की कंप्लेंट्स भी आती हैं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है लेकिन कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी डिसएडवांटेजेस है गाइज, यहाँ पर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी खुलवाने के लिए ₹100 का चार्ज देना पड़ता है, यानी कि जो भी कस्टमर आएगा वो POA, एक्चुअली आपको अगर नहीं पता है तो ये हालांकि कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप POA फाइल करते हैं तो ₹100 का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी क्लाइंट्स इनके पास आते हैं, एक्चुअली अगर सभी से ये POA बनवाते हैं तो यहाँ पर इनका एक तरीके से अकाउंट ओपनिंग फीस मान लीजिए आप इसे, या आप इसे कोई अकाउंट मेंटेनेंस मान लीजिए, चाहे सब्सक्रिप्शन फीस मान लीजिए, एक तरीके से यहाँ पर ये इनका अर्निंग का जरिया हो जाता है, जिससे ये अपने दूसरे चार्जेस को कवर अप करने की कोशिश भी कह सकते हैं कि हाँ ये उसी तरीके से दूसरे चार्जेस को कवर अप करने की कोशिश हो रही है। अगली जो डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आपको US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एक ऐसा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएं, तो गाइज यहाँ पर आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा गाइज, अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको स्टॉक्स की टिप्स भी मिल जाएँ, रिकमेंडेशंस भी मिल जाएँ ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर्स में जनरली आपको स्टॉक टिप्स नहीं मिलती हैं। तो इसलिए गाइज ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गई। अगर आप फुल कंप्लीट डिसएडवांटेजेस को और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने एंड स्क्रीन पर लिंक डाला हुआ है, वीडियो जाकर के वॉच कीजिएगा, टॉप में आपको वो वीडियो दिख जाएगी जहां पर मैंने इसके कंप्लीट डिसएडवांटेजेस बताए हैं, जहां पर मैंने चार्ट्स के बारे में भी बताया है। हालांकि वो थोड़ा पुराना वीडियो ज़रूर है, तो अभी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं, अब अपडेट्स में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में भी रिसर्च करी थी। तो गाइज यहाँ पर अपडेट्स में ये हुआ है कि इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा सुधार किया गया है उसमें। पहले मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि लाइव चैट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती, अब आपको यहाँ पर लाइव चैट भी दिखने लगी है। तो इस तरीके से कुछ सुधार ज़रूर हुए हैं, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद अपडेट्स को भी आप अगर कमेंट करेंगे कि मुझे उस वीडियो के डिसएडवांटेजेस के ऊपर एक अपडेट वाला वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपडेट करके लिखिएगा, तो मैं आपको उस वीडियो के अपडेट भी लेकर के आ जाऊंगा। हालांकि अभी मैं बता दूं, फिनवेशिया के ऐप में अभी भी रिसेंटली एक अपडेट आई है जिसके बाद इसमें काफी सुधार हुआ है ऐप में, लेकिन साथ साथ उस अपडेट के आने की वजह से कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो पुराने यूज़र्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है चार्ट्स को समझने में और ऑप्शन चेन वगैरह खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके साथ साथ गाइज एक चीज़ जो हम डिटेल से और डिस्कस करने वाले थे वो था ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर। तो गाइज ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर आपको स्टॉक्स के लिए मिल जाता है, स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली, NSE और BSE के लिए। जब आप अगर करेंसी कमोडिटी में करेंगे तो उनके क्योंकि एक्सचेंजेस भी बदल जाते हैं, तो करेंसी कमोडिटी के लिए भी आपको ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर नहीं मिलता है। इसके अलावा ऑप्शंस के लिए भी आपको ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर नहीं मिलता है, तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज इसकी हो जाती है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं गाइज फाइनली, तो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गाइज हाँ, फिनवेशिया जो है इन्होंने लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट का, यानी कि जीरो ब्रोकरेजेस का ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी उतना मैच्योर नहीं है ये एप्लीकेशन कि आप यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट बनाएं, या मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप यहाँ पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट बनाइए। मेरे कुछ फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जहाँ पर जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। उनमें कुछ बैंक्स भी हैं, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स भी हैं जहाँ पर आपको स्टॉक टिप्स भी मिल जाती हैं, आपको दूसरे भी कई दूसरे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सभी जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ पर हमारे डीमैट अकाउंट्स हैं ऑलरेडी, हमने ट्राई एंड टेस्ट कर रखा है उनको, तो आप वहां जाकर के बेझिझक होकर के अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। गाइज जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमने भी एक नया चैनल बनाया है गेम ऐप्स के ऊपर, 57 गेम्स, जहाँ पर हम कुछ स्किल्ड बेस्ड गेम ऐप्स के रिव्यू करने वाले हैं, आपको मनी अर्निंग के लिए भी आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं, कुछ ऐसे गेम ऐप्स बताएंगे आपको जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है हमारा, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सपोर्ट दीजिए वहाँ पर, ताकि हम वहाँ भी थोड़ा सा ग्रो कर सकें और लोगों को कुछ यूज़फुल कॉन्टेंट दे सकें, उनके अर्निंग करने में कुछ मदद कर सकें। प्लीज़ आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।